इसी के साथ में कई खास एक्टर्स के साथ में भी आपने काम किया है और उनके लिए भी एक सौभाग्य रहा है। एक खास और एक आम बात उनके बारे में मैं जानना चाहूंगी, तो शुरू करते हैं बेकाबू से ही। ऑफकोर्स शालीन भनोट के बारे में एक खास और एक आम। शालीन मतलब सच में नागिन 1 जो नागिन मैंने अरुणा जी का किया था उसमें मेरे पास आया था शिवराज जी, करीब 2008 से पिछले साल में करीब 15 साल से शालीन मेरे साथ काम कर रही है, तो मेरे लिए मेरा बच्चा है। और उसमें खास जो है सबसे कि वो बहुत पॉजिटिविटी लेके आता है, सेट पे आते ही वो एकदम फुल एनर्जी में होता है। तो ये कई बार मैं परेशान होता हूँ, अपनी चीज में उलझा होता हूँ, टेंशन में रहता हूँ कि चूंकि लिमिटेशन है, एक प्रोडक्ट को सप्लाई करना है, डिमांड और सप्लाई करते हैं, तो हमको उसमें भी शामिल होना होता है। प्रोड्यूसर का बजट है, बहुत सारे लिमिटेशन है, उसमें हमको सक्सेस पाना है। और उसमें शालीन आता है, सबको हंसा देता है, एक गाना गाते हुए एंट्री लेता है। वो जब आता है दूर से मेरे को देख के गाना गाता है, क्या करता है, तो वो ना मेरे टेंशन को रिलीज कर देता है। सबसे बड़ी बात तो उसके अंदर ये है। और एक आम बात जो शायद आप हर एक्टर में देखते हैं, उसमें भी देखा आम बात, ये मैं समझा नहीं। आम बात मतलब आम बात यानी एक खास होता है, कुछ स्पेशल चीजें होती है और कुछ कॉमन चीजें होती है जो आप हर चीज हर एक एक्टर में नोट करते हैं। हाँ, वो तो सभी एक्टर में होता है, हर एक्टर को भूख होता है कि मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छे से आए, मैं बढ़िया दिखूं, मैं अच्छा दिखूं। कई बार कुछ एक्टर बहुत छोटी सी बात को भी बहुत बड़े लेवल पर सोचने लगते हैं। कई बार मुझे उनको रोकना भी होता है, यार इतना भी सीरियस मत ले लो, इसको ईजी ले हो, ईजी लेके निकल जाओ। अब एक छोटा सा लाइन है, उसके पीछे भी वो लॉजिक ढूंढ रहा है, बहुत सारी बातें। टेलीविजन में इतना प्रेशर लेने वाली बात नहीं, ईजी निकल जाओ। कई चीजें ऐसी होती है जो बिना लॉजिक के भी निकालना होता है मुझे। और कई बार लॉजिक को बदलना भी होता है हमें, कि हमने पिछली बार कुछ और सोचा था, वो वर्क नहीं किया, तो हमने खुद को बदल लिया, चेंज कर लिया। तो टेलीविजन में तो चलता रहता है ना, कि हमको भी अचानक स्क्रिप्ट में बदलाव कर लेना पड़ता है। राइटर्स आते हैं और उसको चीज को चेंज करते हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं, इसको निकालो, इसके बदले कुछ और डालो। तो इसको हम सिर्फ खास बात ही रखते हैं। सर, ईशा सिंह के लिए क्या लगता है आपको, उनमें क्या खास बात? ईशा जो है वो बहुत सॉफ्ट हार्ट, बहुत शालीन वाली लड़की है, बहुत सौम्यता है उसके अंदर और वो बहुत शांतचित है, लेकिन एक्ट्रेस बहुत कमाल की है। वो बहुत सरल एक्ट्रेस है, बहुत बारीक से एक्टिंग करती है, बहुत लाउड नहीं होती है वो। कई बार कुछ लोगों को लगता है कि यार ये ठंडी है, ठंडी नहीं है, वो बहुत अच्छा करती है। अब हर चीज को तब लार्जर देन लाइफ करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी कुछ चीजें सभी भी अच्छी लगती हैं। तो वो बहुत बारीक एक्ट्रेस है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और वो बहुत सीरियसली काम करती है, टाइम पे आती है, सेट पे रहती है। वो बहुत मतलब एकदम क्या बोलूं, डिसिप्लिन एक्ट्रेस है। उनकी सिंप्लिसिटी में ही वो खास बात नजर आती है। तेजस्वी प्रकाश, तेजस्वी बहुत स्मार्ट एक्ट्रेस है, बहुत स्मार्ट है। वो ना सीन को बहुत कम देर में ग्रैस्प करती है, बहुत मतलब उसको सीन दो और वो तुरंत तैयार हो जाती है, मतलब ऑन द स्पॉट एक्ट्रेस है वो। उसके साथ मुझे बहुत मेहनत नहीं करना होता है। उसको एक बार मैंने समझा दिया कि तेरे को ये करना है, ऐसे करना है, इधर आना है, इधर जाना है, ये बोलना है, उसको रिहर्सल ना भी करूं तो वो टेक कर लेगी। वो मतलब मैं उसको कई बार मैंने कई इंटरव्यूज में बोला भी है कि लेडी गोविंदा है, जो गोविंदा जी है मतलब देखा। तो गोविंदा जी जब एज ए लीड हीरो काम कर रहे थे, कहते हैं लोग कि 3 बजे आते थे और 2 घंटे में पूरे दिन का काम करते थे। तो तेजस्वी वैसी है। तेजस्वी अगर 1 घंटा सेट पर लेट भी आती है तो फर्क नहीं पड़ता, वो 1 घंटे में 2 घंटे का काम कर देती है और बहुत फास्ट करती है। आप स्लो हो जाएंगे, वो नहीं रुकेगी। आप उसको 1 शॉट कोई भी सीन करा लो, वो पूरा सीन करती है। 6 पेज का सीन दे दो, वो कर देगी। तो और वो सीन को समझ के करती है और बहुत जल्दी वो चीजों को अपना लेती है, वो बहुत फास्ट है। सही कहा, स्मार्ट और लेडी गोविंदा, ये 2 नाम आपने दिए हैं। इसी के साथ सिम्बा नागपाल के साथ भी आपने काम किया। सिम्बा नागपाल के लिए क्या खास बात है? सिम्बा बहुत इनोसेंट है, मासूम, एकदम मासूम है। वो चिड़िया है जी, उसको आप जैसे प्यार करेंगे उतना अच्छे से करेंगे। आप उसको थोड़ा भी दबाव देंगे वो काम नहीं कर पाएंगे। तो जब शुरू में आया सिम्बा तो थोड़ा मुझे परेशानी हो रही थी, क्योंकि सिम्बा एकदम फफड़ेगा थोड़ी देर, जी, क्योंकि मेरा अंदाज थोड़ा एग्रेसिव है, मैं सेट पे थोड़ा एग्रेसिव में रहता हूँ, क्योंकि हम बड़े शो करते हैं इस तरह के शो जहाँ पे 50 टॉप एक्टर है मेरे साथ काम कर रहे हैं, इनको हैंडल करना इतना आसान नहीं है। तो सिम्बा थोड़ा शुरू में घबराया था, बट मुझे समझ में आ गया कि इसको दूसरे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, और उसी सिम्बा के साथ हम बहुत, हमने उसको अपने बच्चे की तरह अपनाया, हमने उसको अपने बेटे की तरह कर लिया कि तू मेरा बेटा जैसा है। और फिर उसको मैंने कहा कि देखते तेरी शक्ल मुझे बहुत प्यारी लगती है, तू स्माइल करता है तो बहुत अच्छा लगता है, तेरी इनोसेंसी मुझे पसंद है, तो तू कुछ ना कर, तू अपनी इनोसेंसी को खेल जी। और मैंने नागिन में उसके इनोसेंसी को खेलना शुरू किया और वो सबको अच्छा लगने लगा। वही सिम्बा थोड़े दिन पहले दूसरा शो भी कर रहा था, उसे पहले रश्मि शर्मा रहा, और वही सिम्बा को आप नागिन में देखो, आसमान जमीन का फर्क दिखाई देगा कि सिम्बा बहुत ओपन हार्ट होकर काम कर रहा था, रोमांटिक सीन में मजे ले रहा था, उसको मैं मस्ती करा रहा था, उसके साथ थोड़ी छेड़खानी कर रहा था, मैं उसको मैं छेड़ता था, सुबह से शाम तक छेड़ता था और वो मजे ले रहा था। तो वो थोड़ा मूडी एक्टर, उसको ग्रुप को फील्ड में काम करने में बहुत अच्छा था। ये कैरेक्टर को छेड़ना होता है या फिर एक्टर को छेड़ना? एक्टर का जो निजी जीवन है उसको भी आपको समझना होता है, डायरेक्टर तो उसका कुछ निजी हरकत होता है, उस हरकत में बहुत सारी कमर्शियल सिनेमा जो है स्टाइल बेचता है जी। हम स्टाइल को बेचना चाहते हैं कि सलमान खान ही दिखेंगे, उनको आप कुछ और पता बनाओगे तो खराब लगेगा, शाहरुख खान दिखते हैं, अमिताभ बच्चन ही रहते हैं, तो सिम्बा जैसा रखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। अब हम सिम्बा को जबरदस्ती कोई कैरेक्टर पूछने लगेंगे तो सिम्बा नहीं रख पाएगा, तो सिम्बा बहुत प्यारा है। इसी के साथ आखिरी है, ये सभी की जान रह चुकी है, इनफैक्ट आपकी भी काफी प्रिय मित्र है उर्वशी ढोला। उर्वशी अद्भुत है, स्पेशल है, वो तो मेरी अच्छी दोस्त भी है। उर्वशी जितने सालों से काम कर रही है, सबसे बड़ी बात है वो बहुत तैयारी करती है, पहले तो अपने लुक पे वो बहुत मेहनत करती है, वो जब आती है सेट पे एक नए रूप में आती है, तो ये कमाल की बात है। डिजाइनर उसको कौन मिला नहीं मिला मायने नहीं रखता, जब वो आती है तो वो अपने डिजाइन में आती है,